अस्सलाम वालेकुम बेटा, आओ बैठो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? क्या हुआ बेटा, ऐसे तकल्लुफ करके क्यों बात कर रहे हो मुझसे? करीम, तुम मुझे बाबा कहकर भी बुला सकते हो बेटा। आपको कोई बात करनी थी, कहिए क्या बात है? बेटा देखो, मेरे हालात अच्छे नहीं हैं आजकल। मुझे 5,000 की जरूरत थी, जो मैंने तुम्हारे दिए हुए पैसों में से ले लिए थे। बहुत परेशानी में मुझे ऐसा करना पड़ा और कोई रास्ता नहीं था। मैं तुम्हें बताने ही वाला था लेकिन एपिक ने तुम्हें बता दिया। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है और ना कोई गुस्सा है। मुझे अगर कोई फिक्र है तो सिर्फ अपनी एपिक की। शाबाश मेरे बेटे, मैं जानता हूँ तुम एक अच्छे इंसान हो। देखो ये तो ऐसी बात है कि जो बहुत अच्छा आदमी कर सकता है, यानी एक खानदानी आदमी। वो तो मैं हूँ बेटा, तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा, मैं सब कुछ सच बताऊँगा, क्योंकि अब तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मैं अपने बेटे के लिए एक दुकान खोलना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। मेरे पास कोई जमा पूंजी नहीं है बेटा। हर किसी की कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है बेटा। ऐसा है, दुकान खोलने के लिए पैसे चाहिए। मेरे पास बहुत थोड़े पैसे, और थोड़े पैसों का मतलब है कि उन्हें भी गवा देना। इसलिए तुम्हें क्या बताऊँ कि मैं किस मुश्किल में फंसा हुआ हूँ। मैंने किसी से उधार लिया भी था करीम बेटा, मैंने सूद पे पैसा लिया, वापस ना करने की वजह से किस्तें बढ़ती जा रही हैं, इसलिए परेशान। तो जनाब आप क्या करेंगे, क्या होगा? पैसे तो बिल्कुल ख़त्म हो गए और घर में कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जिसको बेचकर अपना कर्ज चुका सकूं। कुछ रुपये मजीद चाहिए मुझे। बस थोड़े दिन की परेशानी है बेटा, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यकीन करो, बहुत जल्द लौटा दूंगा तुम्हें। यानी मैं तुम्हारी हर महीने की किस्त बांध दूंगा, इस तरह तुम्हारे पैसे चंद महीनों में ही उतर जाएंगे। बेटा एपिक भी आ गई है, हो सके तो पैसों का तस्करा उसके सामने मत करना। अरे एपिक बेटा, तुम ठीक तो हो ना? आईपैक, ऐसे अचानक क्यों बेटा? वैसे बाबा जान, असल सरप्राइज तो आपने दिया है। आपको कोई अचानक बहुत बड़ा मसला पेश आ गया था और आपने इसे कॉल की, मुझे नहीं। बेटा मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था, और करीम भी कौन सा हमारे लिए अब गैर है, बस कुछ डिस्कस करना था। अहम मसला? हाँ बाबा, देखें ऐसा कोई मसला नहीं हो सकता। अरे कल तो मिले हैं आप इससे, बहुत मोहब्बत हो गई है आपको करीम से। बेगर्ज मोहब्बत तो नहीं? लगता है वैसा ही कोई मामला हो गया है फिर से। पैसों का मामला तो नहीं है क्या? आपने फिर से इस दफा इससे पैसे तो नहीं मांग लिए? यार ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा। सॉरी कहा आपने इसे? हर चीज मालूम हो चुकी है अब करीम को। एपेक इसके लिए मुझे सॉरी बोल चुके हैं, इसीलिए तो कॉल की थी मैंने। बहुत जल्द पैसे वापस कर दूंगा इसे, बस इंतजाम होने वाला है, कोई परेशानी नहीं है अब। खुदा करे ऐसा ही हो बाबा। एपेक यकीन करो, मैं पैसे लौटा दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम जा रहे हैं, पहले ही लेट हो गए हैं। चलो करीम। खुदा हाफिज बाबा। हेलो, सुनो बेटा, यार तुम्हारी आपा ने सारा प्लान बिगाड़ दिया है। हाँ तो मैं क्या कर सकता हूँ? अरे यार ऐन वक्त पर वो यहाँ पहुँच गई। हाँ ठीक है, मैं करीम से फिर से बात करता हूँ, तुम फिक्र मत करो, कुछ हो जाएगा। चलो ठीक है बेटा, मैं फिर बाद में बात करता हूँ तुमसे। Love